हाउ आर यू, होप यू आर वेल। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी इंग्लिश ग्रामर बुक का टॉपिक करेंगे कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये जैसे नाउन हमने किया है, नाउन में क्या होता है कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स एटसेट्रा, कि किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी पशु का नाम, किसी चीज का नाम जो होते हैं वो होते हैं नाउन। लेकिन वो होता है सिंपल नाउन, एक होता है पर्सनल नाउन होता है, एक होता है कॉमन नाउन होता है। जो टाइप होते हैं तो उसकी जो टाइप होती है वो होती है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि जब बहुत सारे, जब हम नाउन किसी एक प्लेस पर देखते हैं, जैसे बहुत सारे, एक होता है पर्सनल नाउन होता है, एक कॉमन नाउन होता है, उसमें होता है कि सिंगल के बारे में बात की जाती है, किसी एक के बारे में बात की जाती है, किसी एक नाउन के बारे में। बट कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि किसी ही नाउन को जब हम ग्रुप में देखते हैं, यानी बहुत सारे जब नाम, यानी नाउन होते हैं बहुत सारे, जब एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, उनको जब हम देखते हैं तो उनके लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे तो वो होता है कलेक्टिव नाउन। उसको हम कलेक्टिव नाउन का नाम हम उसको देंगे। देखिए कैसे कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन की जो कलेक्टिव नाउन होता है इज अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड होता है, कलेक्टिव नाउन एक ऐसा वर्ड होता है फॉर अ ग्रुप, यानी एक ग्रुप के लिए जो है उसको यूज किया जाता है। ऑफ पीपल, अब देखिए ग्रुप किस किस चीज का हो सकता है कि जैसे नाउन में होता है सेम कि किसी भी पीपल, जैसे बहुत सारे जब पीपल होंगे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसका जो ग्रुप बन जाता है उसके लिए, या फिर एनिमल्स, जब बहुत सारे जब एनिमल्स इकट्ठे होते हैं तो उनके लिए, या फिर जो थिंग्स होती है बहुत सारी, एक जगह पर बहुत सारी थिंग्स हम देखते हैं उनके लिए जो हम कोई ग्रुप का जो नाम देंगे वो होता है कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही बहुत सारे जो चीज होती है, सॉन्ग एटसेट्रा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि हम कैसे उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे होता है। देखिए कलेक्टिव नाउन में अ ग्रुप ऑफ काउज, यानी काउ के ऑफ स्टूडेंट्स, काउ की गाय। तो जब एक गांव का जो गाय का झुंड होता है, बहुत सारे जब हम गाय देखते हैं एक ही स्थान पर, उसका जो झुंड होता है, ग्रुप होता है, तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? जब एक सिंगल हम गाय देखते हैं कि एक गाय पर, उसको कहेंगे कि काउ है। लेकिन अगर बहुत सारी काउ वहां पर है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे हर्ड, यानी काउ का जो ग्रुप होता है उसको नाम दिया जाता है हर्ड का, हर्ड। जब एक एनिमल का जो एक समूह होता है, झुंड होता है, उस समूह को नाम दिया जाता है हर्ड। ऐसे देखिए अ ग्रुप ऑफ लायंस, लायन क्या होते हैं? शेर, यानी जब एक शेर को हम देखें क्या कहेंगे कि दिस इज अ लायन। लेकिन जब बहुत सारे हम लायन देखते हैं, बहुत सारे जब लायन एक ही प्लेस पर देखेंगे तो उस बहुत सारे जब लायन को उनका एक जो ग्रुप उसका बन जाएगा, उस ग्रुप को हम क्या नाम देंगे? वो होता है प्राइड, यानी अ ग्रुप ऑफ लायन इज कॉल्ड अ प्राइड। ऐसे देखिए अ ग्रुप ऑफ आंट्स, यानी आंट्स क्या होती है? चींटियां, यानी चींटियों का जब एक बहुत बड़ा झुंड होता है, एक बहुत सारी चींटियां जब एक जगह पर प्लेस पर इकट्ठी हो जाती हैं, तो उन आंट्स को हम क्या कहेंगे? उनको कहेंगे कॉलोनी। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब एक ग्रुप को हम कोई नाम देते हैं तो वो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन, यानी एक समूह बन जाता है किसी भी चीज का, एनिमल का, पीपल का या थिंग्स का, तो उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ओके